हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो वेंचर में। हाँ जानता हूँ वीडियो बहुत लेट है पहले से। मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन था और कल ही मैं लौटा हूँ और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, मे बी कल पहुँचे या परसों पहुँचे, तो उसके हिसाब से देख लेना। और कल हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला BTC के प्राइस में। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। क्रिप्टो में वही पैसे इन्वेस्ट करें जिस पे आप रिलायबल नहीं हैं और जिसके लॉस होने पे भी आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल एक हमें बहुत बड़ा BTC का डंप देखने को मिला। ये ऑलमोस्ट 20% तक का डंप था अगर हम देखें यहाँ पे तो। और अभी मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और अभी फिर भी मार्केट जब तक ये 45,000 का सपोर्ट होल्ड नहीं करता, तब तक हम बहुत अनश्योर हैं। मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है ट्रेड करने के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को मैं यही बोलूंगा कि बी केयरफुल व्हाइल योर ट्रेडिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है होड। जैसा कि हम जानते हैं, डीफाई और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत महंगा और जबरदस्त टास्क है। इतने हाई ट्रांजैक्शन फीस और हाई वॉलेटिलिटी को देखते हुए ये माना जा सकता है कि ये सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिनके ऑलरेडी बहुत हाई नेटवर्थ है और जिनके पास काफी सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। होड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक सोशल इन्वेस्टिंग ETF प्लेटफॉर्म बना के। तो आपको होड के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ETF के बारे में जानना होगा। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले ऐसे एसेट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर देते हैं एक बास्केट फुल ऑफ एसेट्स का। आप एक ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके डिफरेंट तरीकों के एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, उन एसेट्स में जो उस पैकेज के अंदर आते हैं। जनरली तो इसको सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स के लिए यूज किया जाता है, बट अब ये क्रिप्टो एसेट्स के लिए भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। ETF बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल की दुनिया में। स्टॉक्स के लार्ज फ्रैक्शन इन्वेस्टेड है ETF में, और अगर यही चलता रहा क्रिप्टो वर्ल्ड में भी तो जो होल्ड का मार्केट पोटेंशियल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ETF में आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको किसी पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्ट करना है डाइवर्सिफाइड तरीके से, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ETFs के कुछ और भी फायदे हैं जैसे ईज ऑफ यूज। यू डोंट नीड टू परचेज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टोकन्स एंड परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस। मतलब आपको अलग अलग टोकन्स या अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जब आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे बनाते हो। ऑलमोस्ट नो फीस। ETF ट्रेडर्स कैन सेव मनी ऑन फीस बाय परचेजिंग अ सिंगल ETF टोकन इंस्टेड ऑफ 5, 10 और पोटेंशियली इवन मोर इंडिविजुअल टोकन। मतलब आप कोई फीस पे नहीं करते हो, आप एक सिंगल ETF टोकन खरीदते हो और अलग अलग तरीकों के एसेट्स में आपका पैसा सर्कुलेट होते रहता है उस फंड में डालने के बाद, ETF फंड में डालने के बाद। तो आप कोई भी ऑलमोस्ट यू डोंट पे एनी फीस। और इसमें एक और फीचर आपको मिलता है ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, जिसका मतलब है ETF फंड में जो आप पैसे लगाए हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से उस ETF का जो फंड मैनेजर है उसको रीबैलेंस करता रहता है, जिससे आपको हर तरीके के मार्केट कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहे। होल्ड अपने प्लेटफॉर्म में इसी चीज को लेवरेज करता है ताकि इनएक्सपीरियंस हो चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो, दोनों जनों को एक्सेस मिल पाए डाइवर्सिफाइड क्रिप्टो फंड्स में इन्वेस्ट करने का, जो कि मैनेज किया जाता है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कैपिटलिस्ट से। होड एक सोशल डीफाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि एथीरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। जो बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को मोनेटाइज कर सकते हैं, और जो हम और आप जैसे नॉन ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से और उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। होड साथ ही साथ बहुत सारे और भी क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है अपने प्लेटफॉर्म पे विथ DAO। DAO यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक तरीके की बहुत पॉपुलर हो रही ऑर्गेनाइजेशन में आती है जहां इन्वेस्टर्स कंपनी के एक्शंस और फाइनेंस में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। होड साथ ही साथ अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इंडेक्स बेस्ड ETFs में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है। ये एक ऐसे तरीके का इंडेक्स ऑप्शंस है जहां आपको एक्सेस मिलता है जिससे कि आप कम पैसों को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन डाइवर्सिफाइड पैसिव इंडेक्स स्ट्रेटजीज में। एक टोकनाइज सॉल्यूशंस के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। चाहे किसी भी तरीके का इन्वेस्टर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे इनएक्सपीरियंस हो, उनको एक इन्वेस्टिंग की दुनिया में प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करने का मौका देना, ये अपने तरीके का पहला सोशल डीफाई प्लेटफॉर्म है। जो मेहनत लगती है बेस्ट तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में और उसमें इन्वेस्ट करने में, उसको ये खत्म या मिनिमाइज कर देता है एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसे होड का चैंपियन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इनके पास
फिलहाल 30 से ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जुड़े हैं जो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करके छोटे इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं जिससे कि वो भी प्रॉफिट कमा सके। ये प्लेटफॉर्म एक हॉट टोकन भी ऑफर करता है जो कि ERC-20 पे बेस्ड है, जिसे अप्रैल में लॉन्च किया गया था थ्रू SHO या स्ट्रॉन्ग होल्डर ऑफरिंग, जिसे DAO मेकर्स होस्ट किए थे। आइए जानते हैं कि अब होड काम कैसे करता है। होड का जो चैंपियन एचपूल है वो दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करता है। पहला चैंपियंस कॉन्ट्रैक्ट, जहां चैंपियन या बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने फंड्स को डाल के अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और दूसरा मिरर कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ फॉलोअर्स अपने फंड्स डालते हैं। और ये मिरर कॉन्ट्रैक्ट सभी ट्रेड जो चैंपियंस कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा होता है उसे कॉपी करता है 1-to-1। जब भी फॉलोअर्स अपने फंड्स को सबमिट करते हैं मिरर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, उन्हें ERC-20 टोकन दिया जाता है बदले में, जो कि वो स्पेसिफिक पूल के वैल्यू पे आधारित होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या है, जो एलोकेशंस हैं इन पूल्स के लिए वो लिमिटेड होती हैं। जो यूजर्स हैं वो NFT टिकट्स को फार्म कर सकते हैं अपने एलोकेशंस को एंश्योर करने के लिए, और ये NFT टिकट्स ERC-115 पे बेस्ड होते हैं, और इन NFT टिकट्स को OpenSea पे ट्रेड किया जा सकता है। एक बार पूल शुरू हो जाता है और भर जाता है तो फिर उसके बाद नए यूजर्स उसमें नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और जो यूजर्स इस बोट को मिस कर दिए हैं वो टोकन खरीद सकते हैं उन यूजर से जो सक्सेसफुली अपना एलोकेशन सिक्योर कर चुके हैं। और इन एचपूल टोकन का ट्रेडिंग होड के डेक्स पे ही सिर्फ होता है, और जहां होड टोकन को ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज किया जाता है, जिसका एक हिस्सा बर्न कर दिया जाता है ताकि टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होड टोकन का है वो कम हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा यूज केस है होड का, वो है पैसिवली मैनेज्ड ETFs, जिसको सेक्टर ETFs के तरीके से भी देखा जा सकता है। और जो एचपूल टोकन होते हैं इन ETFs के, वो रिप्रेजेंट करते हैं अंडरलाइंग वैल्यू इन एसेट्स के जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के होते हैं किसी एक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर। एक एग्जाम्पल है किसी एक इंडस्ट्री का, वो है एक्सचेंज सेक्टर, जहां पे जो ETFs हैं वो होल्ड करते हैं अलग अलग एक्सचेंज टोकन एक निर्धारित रेशियो के अंदर, जो रिप्रेजेंट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन उन एसेट्स का। आइए जानते हैं होल्ड को यूनिक क्या बनाता है। होल्ड का जो ऐप है उसमें बहुत सारी यूनिक फीचर्स हैं जो इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए। पहला है एक्टिव प्लस पैसिव ETFs। होल्ड एक तरीके के ETF तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकली किसी भी तरीके के ETF को बनाने की सुविधा देता है, जो कि चैंपियन लेड से लेके DAO गवर्न से लेके इंडेक्स बेस्ड हो सकता है। ये फीचर यूनिक है इस इंडस्ट्री में, जिसकी मदद से होल्ड तरह तरह के डाइवर्सिफाइड यूजर्स को टारगेट कर सकता है। चैंपियन NFT टिकट्स। एचपूल के साइज को लिमिट करने से होल्ड ये इंश्योर करता है कि यूजर्स इसको यूज करते रहें, जिससे कि यूटिलिटी टोकन की बनी रहे और वॉल्यूम भी मेंटेन्ड रहेगा उनके डेक्स पे। ये कॉन्सेप्ट यूनिक है होल्ड पे। होल्ड डेक्स। एचपूल ट्रेडिंग होल्ड प्रोप्राइटरी ऑर्डर बुक बेस्ड डेक्स पे काम करती है, जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है हर एचपूल पे। अब मार्केट में हजारों पूल्स हैं, तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप AMMS यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स की बात करते हैं, तो इसके केस में पूल्स को लो लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पूल इन्वेस्टिंग। जो सोशल एस्पेक्ट है होड ऐप का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होड को बाकियों से यूनिक बनाता है। एक ही बोट में या नाव में रहने से यूजर्स दूसरे यूजर से अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं, और भी यूजर्स को या इन्वेस्टर्स को उस बोट में जोड़ सकते हैं, और ओवरऑल ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। इसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से आती है वो मिनिमाइज हो जाती है, और वो है हाई वोलेटिलिटी के साथ आने वाली एंजाइटी, जिसे इस मार्केट को जाना जाता है। नॉट जस्ट क्रिप्टो। इवन दो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो एसेट्स के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये हर तरीके के एसेट्स जैसे टोकनाइज स्टॉक्स, इवन रियल एस्टेट्स को भी सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देंगे। होल्ड टोकन। आइए अब बात करते हैं होल्ड टोकन। होल्ड टोकन। होल्ड टोकन होल्ड प्लेटफॉर्म के दिल में बैठा है। ये डिफ्लेशनरी एसेट में प्रत्येक चैंपियन एचपूल का कम से कम 1% शामिल होगा। इस टोकन को स्टेक करके आपको कुछ बेनिफिट जैसे कि प्रायोरिटी एक्सेस मिल जाएगा पूल्स में, मतलब जनरल पब्लिक जो स्टेक नहीं कर रहे हैं उनसे पहले ही आप आने वाली नए पूल्स में अपने फंड्स उनसे पहले लगा सकते हैं, और इसके साथ ही आप गवर्नेंस डिसीजन में वोट कर सकते हैं जो ये लेने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म को लेकर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस टोकन को ट्रांजैक्शन फीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है होल्ड के एक्सचेंज पे, जिसका एक छोटा हिस्सा बर्न कर दिया जाएगा। देखा जाए तो होल्ड की जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज्यादा है एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मुझे लगता है होल्ड के पास बहुत ही ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है आने वाले टाइम को देखते हुए, क्योंकि ये अपने तरीके का पहला सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप कोई नए इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी
मार्केट में, वो भी डाइवर्सिफाइड तरीके से, और आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप किसी इन्वेस्टर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं इनके होल्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी फिलहाल होल्ड का जो प्राइस है वो 0.2129 चल रहा है, और जब मैं इस वीडियो के लिए इस होल्ड को स्टडी करना शुरू किया था तो ये 0.32 पे चल रहा था। इसका मार्केट कैप 13 मिलियन का है, क्योंकि ये एक नया प्रोजेक्ट है। इनका टोटल सप्लाई सिर्फ 320 मिलियन है, और हम अभी इनके होल्ड टोकन की बात कर रहे हैं। इनका जो होल्ड टोकन का सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 62 मिलियन है। इनका ऑल टाइम लो 0.07 रहा, और इन्होंने 138.1% तक का रिटर्न दिया है। इनका ऑल टाइम हाई $1.7 तक रहा, विच इज वेरी ह्यूज। इनकी टोकन बहुत लिमिटेड सप्लाई के साथ मार्केट में है, जो अगेन इसके प्राइस को मैनिपुलेट करता है और मोस्ट प्रोबेबली इसके प्राइस को हाई रखता है। अभी फिलहाल ये बहुत कम पे आपको मिल जाएगा 0.02, और जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई यानी कि $1.27 तक जाएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो ये एक ऐसा टोकन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहुत सिक्योर तरीके से रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इनके होल्डर्स पे थोड़ा नजर डालें तो इनका जो टोटल सप्लाई का 59.69% है वो इस एड्रेस के पास है, और ये एड्रेस होल्ड कांग्रेस के अंदर आता है। मतलब जो गवर्निंग एंटिटी है इनके होल्ड टोकन के अंदर, ये वही लोग हैं जो 59.69, मतलब इनके प्लेटफॉर्म पे 59.69 इनका टोटल सप्लाई इनके पास है। तो ये था गाइस आज का नया टोकन जो बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है। यूजर्स अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे बना सकते हैं, नए यूजर्स हों चाहे पुराने यूजर्स हों, आप फॉलोअर बन के या खुद एक चैंपियन अगर आप हैं, अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप अपने स्ट्रैटेजीज को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर इनके फीस स्ट्रक्चर पे भी नजर डालें तो ये आपके मिररिंग पोर्टफोलियो पे आपको 0 से लेके 40% तक आपके मिरर पोर्टफोलियो पे ग्रेटिटी फील लगता है आपके मिरर परफॉर्म जो भी परफॉर्मेंस वो दे रहा है। इनको बैक कौन करता है? Gate.io, DAO Makers, Chain Financial, Bella, मतलब जानी मानी कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट की हुई है। और ये कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है? ये KU कॉइन पे, Gate.io पे लिस्टेड है। अभी फिलहाल ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुए हैं, और जब ये लिस्ट होंगे तो अगेन इनका प्राइस बहुत हाइप होगा। और ये डीफाई इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, और इनका आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो होप कि आपको ये वीडियो और मेरा ये एनालिसिस भी पसंद आया हो, आपको मैंने एक सही में एक नए टोकन के बारे में जानकारी दी हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नए टोकन्स और नए कॉइन्स के बारे में डिटेल्स मिलते रहें तो आप क्रिप्टो वेंचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़े हैं और मैं डेफिनेटली उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप हमारा पूरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, वो हीलियम हॉटस्पॉट के बारे में। सो सून हमारी नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हीलियम हॉटस्पॉट के ऊपर ही होगी, कि आप लोगों का डिमांड है और इस डिमांड को फुलफिल हम करते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर। आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा ऐसा आशा करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिप्टो वेंचर। टिल देन बाय बाय।